लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जॉन सैनिक के वन प्रदेश में चारों ओर राजकुमारी के ढूंढे खातिर भेजला रहनी, वो अभी तक ले ना आई नहीं महाराज। हम रवा से यह कहे आयल बानी महाराज। हमार राज्य के महामंत्री बानी रवा, हम शुभ समाचार सुने खातिर छटपटात बानी। रवा हमार चिंता और व्यथा के जनबे करेनी, फिर भी चिंता जनक समाचार है जा लावे के प्रयोजन ही काबा। एकरा से तो अच्छा होखत कि रवा अपन विफलता के समाचार है जा लेके ना आईती। क्षमा चाहिनी महाराज, हमरा से भूल भई। तो अपन भूल के परिमार्जन करी और जबले राजकुमारी के लौटे के समाचार ना मिली, हमरा अपन मुंह ना दिखाई। जौन आ गया महाराज। ठहरा, पहले ही बतावा कि जौन दासी राजकुमारी के साथ वन विहार खातिर गई रही, वो लौट के अली की ना? महाराज वो कहत रहलिन की राजकुमारी वन में ना जाने कहाँ आदर्श हो गई। पिताश्री, 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 चंपिका दीदी आ गेल बाड़ी। आ गेली? पर वो बाड़ी कहाँ? पिताश्री, वो अपन कक्ष में बाड़ी। परंतु अगर भैल का रहे, वो कहाँ रहली? पिताश्री, वन में एगो राक्षस दीदी पर आक्रमण कर देले रहले। का? हाँ पिताश्री, और दीदी बतावत रहली कि जब उनका पर आक्रमण भैल, तबे एकाएक एगो राजकुमार जैसन वीर पुरुष ओहिजा आ गेल और वो राक्षस से बहुत शूरवीरता से संघर्ष कैलन। किंतु का पुत्री? किंतु पिताश्री, वो अकेले कबले और राक्षस से लड़तन, फिर वो अपन इष्ट देव हनुमान जी के याद कैलन और एकाएक हनुमान जी प्रकट हो गयलन, और फिर हनुमान जी के कृपा से वो वीर पुरुष उद्दुष्ट राक्षस के मार दिलन। परंतु वीर पुरुष बाड़न कावा, चंपिका उनका साथ ना लेली? वो अपन कर्तव्य निभैलन और ओहिजा से चल गयलन। धन्य बाऊ वीर पुरुष, परंतु ओकर नाम का बा, वाइल कहाँ से रहे? पिताश्री, का कोनो अपरिचित पुरुष से ओकर नाम पूछल जाला भला? रवे तो समझाई ले रहनी। परंतु ओकरा ढूंढे के तो होखी ना, ओकरा पुरस्कृत जे करे के बा। हाँ, ओ चंपिका दीदी भी, और अब रवो, अब तो हमरा वो पुरुष के ढूंढे के ही पड़ी, हम जात बानी पिताश्री। अरे परंतु तू ओकरा ढूंढबू कहवा? रवा चिंता ना करी पिताश्री, अब तो हम ओकरा ढूंढ के ही रहब। पुत्री, हनुमान के गदा, जब हम अपन असुर बंधुअन के दिखाई तो उनकर बाछा खिल जाई। उनकर माने के होखी के स्त्री होखत भी हम उनका से कम नहीं की। बाछे खिल जाई, बाछे खिल जाई या मुरझा जाई। हनुमान के गदा के संभालल इतना सरल नहीं खे वीरूपा। हाँ। लागेला यह पर्वत के गुफा में ई लोगन के वास बा। ना ना ना, नारायण नारायण, हनुमान ई गुफा के भीतर ई गदा पहुंचे के ना चाही। नाना, ई गदा के कौनो भरोसा नहीं खे। हनुमान के गदा बा कौनो उत्पात मचा सकेला। हाँ? अच्छा तो इहे होखी एकरा आईजे नष्ट कर देवल जाए। Thank you.
गदा हनुमान, धन्य बा तोहर गदा, नारायणी नारायणी। ओ विरूपा के का समाचार बा? अरे ओकर अभी तक कोनो समाचार ना मिलल। इस समय वो विरूपाना रूप लेखा बिया, रूपवती और राक्षसी दुन्नो में अंतर बा, और वो दुन्नो रूप में पारंगत बा, और आपन कार्य अवश्य पूरा करी। परंतु हनुमान से ओकर गदा छिनल सरल कार्य नहीं थे। चुप। पर हमके पूरा विश्वास बा कि विरूपा रूप लेखा के रूप में भी जाल बिछा के रही। परंतु हमरा संदेह बा, वो वानर हनुमान तोहार जिसन गिली गिली नहीं के, वो ब्रह्मचारी बा। ई ब्रह्मचारी का हो खेला? अरे कहा भाई बतावा विरूपा, पर वो गदा बा कहवा? विरूपा पहले बतावा तोहार ई दशा के कैलास? हनुमान की गदा हमरा के पीट पीट के ये हाल कर देलस। परु गदा बा कहवा? गदा हमरा जाने नहीं, गदा हमरा नहीं के मालूम। अरे ऐसे तो मार ले रहा सबरो के। अर्थात हनुमान तोरा अपन गदा ना लेवे देलस, अपन गदा से पीट डालस। मृदंगा 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 हनुमान की गदा के हम अपन अधीन कर ले रानी, हम ओकरा आज तक ले भी आयल रहनी, बाकी जैसे हम ओकरा तोड़े लगनी वो हमारा हड्डी चकना चूर करके। रूपा तू शांत रहा, हनुमान के हम सदा खातिर नष्ट कर दे। सामने आवा, अभी नष्ट कर दे। Om Shivaya Namah. Om
हनुमानाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ हनुमानाय नमः। पुत्री सुनंदा, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मती भवा। पुत्री, शिव और हनुमान के उपासना एक साथ? हनुमान रुद्रा अवतार बाड़े और शिव उनकरो आराध्य बाड़न। हम शिव जी के आराधना ई खातिर करत बानी कि वो हमरा हनुमान जी के दर्शन करवाई हन। हनुमान जी के आराधना ई खातिर करत बानी कि वो हमरा दर्शन देके वो अज्ञात वीर के परिचय दी हन। तोहरा एकर चिंता करे के आवश्यकता नहीं है पुत्री, हम एकर उपाय सोच लेने बानी। ओ का पिताश्री? हम चंपिका के स्वयंवर करे के निश्चय कर लिया। देश देशांतर के राजा और राजकुमारन के आमंत्रित कर चारों दिशा में दूर दूर तक के शुभ समाचार पहुंचे। हमरा पूर्ण विश्वास बा कि ऊ वीर युवक स्वयंवर में अवश्य आई। परंतु पिताश्री, इहो तो संभव बा कि ऊ पुरुष कोनो साधारण पुरुष होखी और ओकरा स्वयंवर के सूचना ना होखी? ना पुत्री, ये संभव नहीं है। हमरा चंपिका के बात पर पूर्ण विश्वास बा। ऊ वीर युवक अवश्य कोनो राजा या राजकुमार बा। परंतु एक बार आराधना के प्रण करके हम हनुमान जी के दर्शन कैले बिना एजा से हटब ना, ई हमार निश्चय बा। तू व्यर्थ हट करत पाड़ू पुत्री। रउवा हमरा आशीष दी पिताश्री कि हमरा शीघ्र ही हनुमान जी के दर्शन होखे। तुहार निश्चय प्रशंसनीय बा पुत्री, तुहार पावन कामना शीघ्र ही पूर्ण होखे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी, रहुआ ईजा धन्य भाग हमार जे रहुआ पधरनी। वीराजी, वीराजी, कहीं का बात बा? कौनो विशेष उद्देश्य से पधरनी है का हनुमान जी? हाँ ऋषिवर, रघुवत त्रिकालदर्शी बानी, महर्षि बानी। तने कापन दिव्य दृष्टि से ई तो पता लगाई कि हमार गदा कहवा बा, कौन हमार गदा हरण कर ले ले बा। रघुवत जानते बानी कि अब हमार मन गदा के बिना अशांत रहेला। हम अपन दिव्य दृष्टि से देखा तानी हनुमान जी, ये कृत्य एगो रूपवती राक्षसी के बा। रूपवती राक्षसी? हाँ हनुमान, एक बार लंका पतन के चेष्टा करे वाला राक्षस दल के साथ रउआ ओकरा देखले रहनी और ओकरा क्षमा कर देले रहनी। उस समय श्री राम भी राउर साथे रहलन। हाँ स्मरण आयल, परंतु ऐसन काहे कैलस? ओकर और ओकर राक्षस साथी के विचार बा कि गदा ही हनुमान के सारा शक्ति बा। यदि गदा नष्ट कर दिहल जाए तो हनुमान पे विजय पावल सरल होखी। उनकर ई साहस? परंतु रउआ के चिंता करके कौनो आवश्यकता नहीं है हनुमान। राउर गदा ओ रूपवती राक्षसी रूप लेखा के उचित दंड दे दहले बा, ओकर पांचों साथी भी आहत भइल बा। परंतु ऋषिवर, हमार प्रिय गदा कौन स्थिति में बा? राउर स्पर्श पाके राउर गदा भी श्री राम के नाम के जप करता हनुमान। ऊ एगो वन में राउर प्रतीक्षा कर रहल बा, जाई और ओकरा पुनः प्राप्त करावत। जैसन राउर आज्ञा गुरुदेव, अब हमरा के आज्ञा दी। जय श्री राम। हनुमान, एगो विचार हमार मन में आयल बा। कहीं गुरुदेव? श्री राम और देवी सीता के भक्ति में राउर हृदय
सागर के समान उद्वेलित रहेला। रउवा भक्ति के चीर स्थायी बनावे खातिर कोनो उपाय काहे ना करेनी हनुमान? आज्ञा करे ऋषिवर, हमरा का करे के होखी? श्री राम के भक्ति के अमर बनावे खातिर श्री राम के सीता मंदिर के स्थापना करे के होखी। ऋषिवर, रावरी परामर्श अति उत्तम बा। कितना अच्छा होखी यदि कार्य प्रभु श्री राम के युगल पुत्र लव और कुश के हाथ संपन्न होखे। ऐसने होखे के चाहिए। सीता राम के मंदिर के स्थापना से भक्ति और भक्ति के शक्ति के लाभ मानव मात्र की मिली। चिरस्थाई शांति, सद्भावना और सदाचरण के स्थापना होखी। ऋषिवर, रावरी इच्छा के कार्य रूप दिहल हमार प्रथम उत्तरदायित्व बा। महर्षि, अब हमरा के आज्ञा दी। जय श्री राम। तुहार कल्याण होखे हनुमान। जय श्री राम। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम। का बात हो गुरुदेव? रउवा एहिजा। रउवा एहिजा, ऊ कहावत ता तू सुनले होबा ना के जहवा जहवा गुरु ओजे ओजे शिष्य। परंतु ई कहावत भी तोहरा साथे चरितार्थ न होखत बा। तोहरा साथे तो ई कहे के चाही के जेने जेने शिष्य ओजे ओजे गुरु। परंतु गुरुदेव, बात का बा? बात का बा, तोहरा पता बा भगवान शिव का कहत रहलन? नहीं के पता गुरुदेव। तोहरा नहीं के पता तो हमरा से पूछा। कह गुरुदेव, भगवान शिव का कहत रहलन? गुरुदेव, भगवान शिव का कहत रहलन? हाँ, अब सुना। महाराज भूरी कीर्ति के नाम ता तू सुन ले होबा। महाराज उहे जिनकर पुत्री के उद्धार महाराज कुश कैले रहलन, तू तो ओइजा उपस्थित रहला। हाँ गुरुदेव, हम वही जा रहे। उनका छोट पुत्री सुनंदा के विवाह महाराज लव के साथे पूर्व निश्चित बा। परंतु इतने शुभ समाचार बा। हाँ, शुभ समाचार बा ता, और तू बाड़ा के गंभीर होकर जात बाड़ा। नारायण नारायण। हनुमान, ई शुभ समाचार के संबंध उहे घटना के साथे बा जे तोहरा सामने घटित भइल रहे। चंपिका के उद्धार करके महाराज कुश ओकर हृदय पर अपन अधिकार तो कर लीलन, परंतु ओकरा अपन नाम न बता सकलन। ई तू भली भांति जानत बड़ा। ई घटना से चंपिका तो आहत बाड़ी ही, ओकर छोट बहिन सुनंदा भी व्याकुल बाड़ी। ऊ भगवान शिव के अखंड आराधना करत बाड़ी, न जल के सेवन करेली, न अन्न ग्रहण करेली। ओकर एके हटवा के जब ले तोहार दर्शन न हो जाला, ऊ अन्न जल न ग्रहण करी। तोहार दर्शन होके पर तोहरा से पूछी के ऊ युवक के रहे जेकर सहायता करे खातिर तू ओइजा पहुँचल रहला। उ तो निसंदेह महाराज कुश ही रहलन। नारायण नारायण, हम जान नारायण नारायण हम जाने नहीं, किंतु सुनंदा जाने के चाहेली, और ये जानकारी केवल तू ही दे सकत बाड़ा, और भगवान शिव भी ये चाहेलन। हम भगवान शिव की इच्छा
अवश्य पूर्ण करब। जहवा सुनंदा, भगवान शिव के आराधना करके तुहार दर्शन खातिर व्रत पूजा उपवास प्रारंभ कर दिले बाड़ी, ओही जे राजा भूरी कीर्ति चंपिका के स्वयंवर के घोषणा कर दिले बाड़न, ताकि वो अज्ञात युवक यानी कि महाराज कुश ओहिजा पहुँच जाए। भगवान शिव भी यह चाहेलन के तू राजा भूरी कीर्ति से मिलके महाराज लव और सुनंदा के पूर्व निश्चित विवाह के संयोग मिलावा। संदेश इहे रहे। हम तो ठहर नहीं ब्रह्मचारी रवा, कहाँ विवाह के संयोग के चक्कर में हमारा फसाद बानी। ये कार्य तो रवे के संपन्न करे के होगी, कैसे की ऐसा कार्य रवे संपन्न कर सके नी। नारायण नारायण। एगो ब्रह्मचारी दूसर ब्रह्मचारी के सामने ब्रह्मचारी के बखान करत बा। ना 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 नारायण नारायण। हनुमान ई कार्य तो तोहरे करे के होगी, भगवान शिव के भी ये इच्छा बा। गुरुदेव शिष्य बानी राउर, यदि रउआ कहीं तब मृत्यु के वरण कर सके नहीं, परंतु जौन कार्य बड़न के और श्रेष्ठ जन के शोभा देवेला उ कार्य बड़न के ही करे के चाही। हमार रउआ से प्रार्थना बा गुरुदेव कि भगवान शिव के आज्ञा के रउआ पूर्ण करी। हमार प्रार्थना स्वीकार करी गुरुदेव, स्वीकार करी। नारायण नारायण। हनुमान हनुमान, तोहर वाक चातुर्य सदा ही हमके परास्त कर देवेला। आजो तू हमरा के विवश कर देला। चला ई कार्य हम ही पूर्ण कर देता नी, परंतु तू सुनंदा के आराधना तो सफल कर दा, के हो जो हम ही जाए। ना ना गुरुदेव, राव रागे श्रोधारे बा, हम सुनंदा के पास जात बानी, हमरा क्या क्या दी। जय श्री राम। नारायण नारायण। ओम शिवाय नमः। ओम हनुमानाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम हनुमानाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम हनुमानाय नमः। देवी सुनंदा आँख खोला। जय बजरंग बली। जय श्री राम। राउर दर्शनाथ हमार मन व्याकुल रहे बजरंग बली। देवी का केवल यह बात पा? रउआ ता महान राम भक्त बानी, का रउआ हमार मन के व्यथा ना समझ पैनी? देवी सुनंदा तू यह जाने के चाहत बाड़ू ना कि जौन वीर युवक तोहार बहिन के उद्धार कैले रहलन वो के बा? जा देवी, अपन बहिन से जाके कह द कि वो शीघ्र ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और देवी सीता के महान पुत्र महाराज कुश के धर्म पत्नी बने वाली बिया, और वो वीर युवक और कौनो ना महाराज कुश रहलन। श्री राम और देवी सीता के पुत्र महाराज कुश। जय बजरंग बली, हमार बहिन निश्चय ही भाग्यवान बाड़ी। देवी रवो कम भाग्यवान नहीं थी, विधि राउर विवाह कुश के लघु भ्राता लव के साथ निश्चित कई लेवा। तेवर श्री नारद शीघ्र ही राउर पिता महाराज भूरी कीर्ति से मिलके इस संबंध स्थापित करी हन। जय बजरंग बली। जय श्री राम। जय महादेव। नारायण नारायण। देवर्षि नारद रहुआ प्रणाम स्वीकार करी। पधारी आई आई। देवर्षि राउर दर्शन बड़ा भाग्यवान लोगन के हो खेला,
अहो भाग्य हमार। नारायण नारायण, रउआ सत्य कहता नी, रउआ सचमुच भाग्यवान बानी, राउर भाग्य में कुशलता ही कुशलता बा महाराज भूरी कीर्ति। का कोनो विशेष प्रयोजन से ही जावे के कष्ट करनी देवर्षी? कष्ट महाराज, हम रउआ के एगो समाचार देवे आइल बानी। समाचार? कैसन समाचार? चिंतित ना हो कि महाराज, समाचार शुभ बा। शुभ बा? हाँ, शुभ बा, शुभ ही शुभ बा, नारायण नारायण। अभी बताई कि कोनो भी पिता खातिर आपन संतान के भविष्य के चिंता सर्वोपरि होखेला। होखेला के ना? होखेला देवर्षी, होखेला। हाँ, अब ई हो बताई कि कोनो पुत्री के पिता खातिर पुत्री दान सबसे बड़ा दान होखेला। होखेला के ना? सत्य बा देवर्षी। अर्थात अर्थात रोवा ई शुभ समाचार हमार पुत्रियन के विषय में ले ले। नारायण नारायण। देवर्षी, हम अपन ज्येष्ठ पुत्री चंपिका के स्वयंवर के घोषणा कहनी है, और हमके पूर्ण विश्वास बा कि ओकरा मन चाहा वर ओकरा अवश्य मिली। राजन, रउआ सचमुच भाग्यवान बानी, राउर कामना अवश्य ही सफल होखी। हाँ, राउर दुनो पुत्री के विवाह सूर्यवंशी महाराज श्री रामचंद्र के पुत्र लव और कुश के साथे संपन्न होखी। ई भविष्यवाणी स्वयं भगवान शिव कैलन है। धन्य बाणन महादेव, धन्य बानी रउआ, कितना सौभाग्यशाली बाड़ी हमार पुत्री कि उनका सूर्य वंश के गौरव महाराज रामचंद्र के वंश में गौरवशाली वधुवन के पद मिले वाला था। जय होखे, जय होखे। राउर जैसन सुख और सौभाग्य सबके प्राप्त होखे। परंतु राउर पुत्री चंपिका के विवाह में श्री राम और हनुमान के शत्रु दैत्य उत्पात मचा सकेलन। यह खातिर सावधान रही है राजन, राउर कल्याण होखे। आए परंतु गदा कहाँ बा? ओकरा पता चल गई होगी कि हमनी लोग आ गई बानी, वो डर के मारे भाग गई होगी। ई फेरा में मत रहिया, हनुमान के वो गदा डरे वाला नहीं खे। और भुला गेला के गुफा में वो गदा हमनी लोगन के का दुर्दशा के लिए रहे। परंतु वहाँ के बाद कुछ और रहे, वहाँ हमनी पत्थर से घिरल रहनी। परंतु वास्तविक खेल तो अब शुरू होगी, जब हमनी सब मिल के वो गदा के चूर चूर कर दे। चूर चूर कर दे। गुफा के बाद भूल गई ला, कैसे पटक पटक के मार ले रहे। चूर चूर कर देंगे। खाली हमरे के मार ले रहे, वहाँ हमनी सब के पिटाई भइल रहे, और तू कैसे फुदक फुदक के भागत रहले। तोरा से तक कम पिटाई भइल रहे। जोना गारे खाती आइल बड़ा, ओकरा पूरा करा, फिर से शुरू मत हो जा। Come on.
लेकिन पांडरक ई गदा त हमनी के थका देलास, हमनी से केहू भी एकर कुछ भी ना कर पौलास। जय श्री राम। पांडरक चंड्रक कंटिकासुर विनाशसुर मृदिंगासुर तू 5% 500 भी आ जाइवा तब वो हमार कुछ आहत ना कर सकेला। तोनी लोग और मार खाए के चाहत बड़ो और मार खाए के चाहत बड़ा। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे मार डालिस रे, जय श्री राम। मरदंगा 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 हमार गदा, हमार प्रिय गदा, हमार प्रिय गदा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, तोहर गदा जे हमारी दुर्दशा कैलस ओकर प्रतिशोध त हम अवश्य लेब। हम तोहरा छोड़ब ना। हमार नाम विरूपा राक्षसी बा, विरूपा राक्षसी। तू जहियो जयबा हनुमान, तोहार पीछा हम ना छोड़ा। जानतरु महाराज कुश आजो भोजन ना कैलन। महाराज कुश 2 दिन से कुछो ग्रहण ना कैलन। का भाई, का बात बा? प्रणाम हनुमान जी, महाराज कुछ 2 दिन से कुछ ग्रहण ना कैलन। महाराज कुश, असमय हम यही जाके राव ध्यान भंगते ना कहीं नहीं। प्रणाम हनुमान जी। जय श्री राम। का बात बा महाराज कुश, हम सुनले बानी कि 2 दिन से रवा अन्न जल कुछ ग्रहण ना कहीं नहीं। ऐसा कोनो बात नहीं कि हनुमान जी, बस भोजन करे के इच्छा ही ना भइल। इच्छा ना भइल? परंतु तुहार मुखमंडल ते ई व्यक्त करत बा कि तू कोनो विशेष चिंता में ग्रस्त बाड़ा। का बात बा कुश, कौन चिंता में खोल बाड़ा?
चिंता के कोनो बात नहीं की हनुमान जी। अच्छा अब रउआ हनुमान जी से भी बात छुपावे लागल बानी। देखा हमरा से छुपावे के चेष्टा मत करा, असफल रहबा। अब शीघ्र अति शीघ्र बतावा की बात का बा। हाँ बतावे जैसन कोनो बात ही नहीं की हनुमान जी। देखा कुश तू हमरा खातिर बहु उहे बालक पड़ा जेकरा हम माता सीता के गोद में देख ले रहा ली, स्वयं आपन गोद में खिलाई ले रहा ली। कहाँ गई बाल अवस्था के ऊपर आक्रम जे तू लव के साथ मिलके दिखाई ले रहा ला। का युवा हो खती उस सारा क्रम अदृश्य हो गई। हनुमान जी बालपन के बाद बालपन के साथे चल गई। बालपन में तो ना राजकाज के चिंता हो खेला और ना ही जीवन में पाए के कुछ अभिलाषा। अर्थात कुछ पाए के अभिलाषा में तू भोजन के अभिलाषा के भूल बैठल बड़ा। कुछ राम भक्त हनुमान के होकते ऐसा कौन अभिलाषा बा तोहार जे अधूरा बा हमरा बतावा। कुश तोरा कौन वस्तु के अभिलाषा बा। कुश ये मौन हमार प्रश्न के उत्तर नहीं खे, तो हमरा बतावा ऐसा कौन अमूल्य वस्तु बा जिकरा कारण तू अन्न जल ग्रहण कई छोड़ देला। हमरा संकोच होखत बा बजरंगबली, हमरा रउआ से कहे के साहस ही नहीं की होकत। आश्चर्य घोर आश्चर्य, पराक्रमी कुश के साथ साहस छोड़ देलस का। नहीं अगर रउआ कही तो बड़ा से बड़ा शत्रु से टकरा सकेनी ओकरा पराजित कर सकेनी। परंतु परंतु ये परंतु का बा कुश, यह तो हम जाने के चाहता नहीं के बाऊ जे तोहार मन के व्यथित कैले बा हमके बतावा। चंपिका चंपिका